नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। बढ़ती ठंड के साथ साथ उत्तर प्रदेश में सियासी पारा भी बढ़ता जा रहा है। विधानसभा चुनाव के ऐन वक्त उत्तर प्रदेश में दल बदलने के खेल में और तेजी दिखाई दे रही है। अब इसी खेल को आगे बढ़ाने में मुलायम सिंह की छोटी बहू भी मैदान में कूद गई हैं। बुधवार को मुलायम सिंह की छोटी बहू अपर्णा यादव ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। इस मौके पर उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी की तारीफ की, वहीं आज तक ने अपर्णा यादव से बातचीत की, जिसमें अपर्णा यादव से सीधा सवाल पूछा गया कि क्या अखिलेश यादव उम्मीदों पर खरे नहीं उतर पाए, इसलिए बीजेपी में जाने का फैसला किया। इस पर अपर्णा यादव ने कहा कि ऐसी बात नहीं है, मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि मैंने हमेशा राष्ट्र को हमेशा धर्म माना है, हमेशा राष्ट्र के लिए ही फैसला लिया है। ये मेरी नई पारी है। मैं पीएम मोदी सीएम योगी से बहुत प्रभावित हूँ, उनकी नीतियाँ मुझे नैतिक रूप से भाती हैं, इसलिए मैंने बीजेपी ज्वाइन की। अपर्णा यादव ने अखिलेश यादव और पार्टी को लेकर कुछ नहीं बोली। इसके बाद उनसे एक और सवाल पूछा गया कि क्या अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी राष्ट्र धर्म को नहीं निभाती। इस पर अपर्णा ने कहा कि वो परिवार से विमुख होकर कोई बात नहीं करना चाहती। ये मेरा निजी विचार है कि पिछले 5 सालों में जिस तरह से प्रदेश में सीएम योगी ने काम किया है, जितनी स्कीम आई है वो प्रभावशाली हैं। इस दौरान अपर्णा यादव ने बीजेपी की सरकार बनाने का वादा भी किया। अब देखना होगा कि बीजेपी के लिए अपर्णा यादव क्या तुरुप का इक्का साबित होती हैं या नहीं। फिलहाल ये तो तय है कि अपर्णा का बीजेपी में जाना समाजवादी पार्टी के लिए किसी झटके से कम नहीं है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।